नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं आज की खास खबरों के साथ। आज कस्बा अजीतमल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू सेंगर के नेतृत्व में युवा मोर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत का एहसास कराया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी औरैया रहे। मुख्य अतिथि प्रियंका रावत ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाना है और इस अभियान में युवाओं को अपना अहम किरदार निभाना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएगी। माननीय योगी और मोदी जी के नेतृत्व में 2022 योगी मुख्यमंत्री तथा 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में इन्हीं युवाओं की दम पर पुनः स्थापित होंगे। युवा सम्मेलन में जनपद के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिखाई दिया और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की भीड़ को देखकर विपक्षी हैरान हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक मंदन सिंह गौतम, ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे, डॉक्टर प्रियंका धौरे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमलेश धौरे उर्फ पप्पी शामिल हुए तथा आयोजन को सफल बनाने के लिए युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू सिंगर, अंकुर तिवारी, आकाश तिवारी, आशीष तिवारी, मोनू दुबे, विशाल सोनी सहित अन्य लोग शामिल रहे। आज युवा मोर्चा का यहाँ पर आज आयोजन किया गया, मेरे यहाँ पर मुख्य अतिथि जी है, जो मुख्य अतिथि आए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे युवा मोर्चा का आज जो कार्यक्रम हुआ है उसका उद्देश्य क्या है और ये कार्यक्रम किस लिए किया गया है। धन्यवाद, और धन्यवाद इसलिए कि आप यहाँ पर आए और युवाओं की जनता तक यही आवाज सरकार है। ये तो संगठन का दिन प्रतिदिन हम लोग का चलता रहता है, तो संगठन के कार्य हम लोग चलते रहते हैं। हम लोग का एक मोर्चे भी हमारे हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, चलते हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। लेकिन आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ एक अपने आप में एक संदेश है, जहां युवा खड़े हो जाते हैं एक नई दिशा जाती है। तो इस दिशा के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आप सभी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से युवा श्रेणी निकलकर आई है और जो जुड़ी है और जो सम्मान युवाओं को मिला है, जो रोजगार युवाओं को मिला है, युवा कहीं और नहीं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के आदरणीय मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के जनताओं के बल पर हमारी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर कानून व्यवस्था को लेकर और उत्तर प्रदेश की जनता के सम्मान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कार्यकर्ता कोरोना के काल में एक एक खड़ा हुआ है, जगह जगह खड़ा हुआ है, जो जन सेवा के कार्य किए हैं, सेवाई समर्पण कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। सपा के लोगों ने कोरोना है या नहीं है लेकिन वो पहले से क्वारंटीन अपने हो गए। मैम हमेशा आपकी विपक्षी पार्टी आरोप आप पे लगाती है कि जो भी विकास कार्य जो हमारे पूर्व सरकार ने किए हैं, यहाँ की केवल जो सरकार है वो फीता काटने का काम कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा जी, ऐसा पूर्व सरकार के या पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनका साफ कहना है कि हमारी सारी विकास योजनाओं को टाका डालकर भारतीय जनता पार्टी फीता काटने का काम कर रही है। अगर डाका ही डाला है तो आपकी सरकार क्यों नहीं आ गई थी भाई? हम तो सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं, 2014 में हमारी सरकार बनी, 2019 में पुनः केंद्र में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा विश्वास किया और आज इस विश्वास के साथ में आप देख रहे हैं वो विश्वास फिर से देख। कस्बा अजीतमल में आज हम खड़े हुए हैं यहाँ पर और ये जनपद में भारतीय जनता पार्टी का युवा सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और आपको मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगी, काफी युवा अभी तक कार्यक्रम से पहले यहाँ पर उपस्थित है और मुझे लगता है कि काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है और धीरे धीरे यहाँ पर आ रही है और मैं जिला के उपस्थित है। मैं मोनू सेंगर से जानना चाहूंगा युवा सम्मेलन जो हो रहा है इसका क्या तात्पर्य है, क्यों किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? मोनू सेंगर,
जिला अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, इनसे हम बात करते हैं। सर आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है सर युवा संगठन, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक चुनाव के पहले की हम लोगों युवा मोर्चा का, युवा मोर्चा का प्रदेश की तरफ से ही हम लोगों को कार्यक्रम है। इसमें हम लोगों को चुनाव के लिए दिशा निर्देश देने, आगे चुनाव में हम लोगों को क्या करना है दिशा निर्देश, क्योंकि इसमें प्रदेश से प्रदेश की महामंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रियंका रावत जी और आदरणीय सुब्रत पाठक जी और सत्यम साई ऐसे प्रदेश के नेतृत्व के लोग यहाँ रहेंगे। वो हम लोगों को युवाओं को संबोधित करेंगे। आज से यहाँ से ऊर्जा मिलेगी और 22 के चुनाव में हम लोग निश्चित ही तीनों विधानसभा और ये जनपद की जीतेंगे। और जो लक्ष्य हमारा प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा द्वारा आदरणीय प्रांशु द्वारा दिया गया है कि हमारा लक्ष्य एक अब युवा मोर्चा के साथ अब की बात 350 पार का नारा हम लोग युवा मोर्चा की दम पे पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। सर आपके बड़े नेता अक्सर कर सुना गया है डिबेट में अब की बात 350 पार, सर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए, 350 पार कैसे सर? चाहे भ्रष्टाचार हम लोगों ने खत्म किया हो, चाहे सुशासन लाए हो, पहले की सरकार में लाल टोपी वाले को आपने देखा गुंडा राज, वो आज जिन्ना को आदर्श मानते हैं, हम लोग शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद विवेकानंद की पद्धति पे चलने वाले युवा हैं हम लोग, और युवा मोर्चा निश्चित ही सर आपने जिन्ना का जिक्र किया, इस चुनाव में सन 2022 में जिन्ना का काफी मतलब हर नेता जो भी है उसकी जवान जिन्ना का रटा जा रहा है नाम। सर मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा था अब की बार हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं, तो सर ये 400 सीटों को जो उन्होंने सर कहा है क्या अखिलेश जी गिनती नहीं जानते हैं या मुंगेरी लाल के वो हसीन सपने देख रहे हैं? देखो सपने देखने के हमें लगता है यहाँ जितने भी लोग सपने देखने किसी के पैसे नहीं लगते, अखिलेश यादव जी सपने देखने नहीं, 400 सीटें सर 400 सीटें बचता क्या है सर, आप क्या किसके लिए क्या बचेगा सपने में? तो वो सर या तो गिनती नहीं जानते या मुंगेरी लाल के वो हसीन सपने देख रहे हैं, सर आप किस रूप में देख रहे हैं? सर तो सपने देख रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, और यहाँ पे जितना सब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूँ। पका है 350 पार का, इससे पहले 325 सीट आए, अब की बात 350% युवा मोर्चा अपने दम से प्रदेश। सर आप जिला अध्यक्ष बने सर युवा मोर्चा का, मैं देख रहा हूँ सर क्षेत्र में काफी युवाओं का सर आपने संगठन में भी जोड़ा है, सर आप बता सकते हैं? फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।